जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी बूस्टर डोज की 9वीं सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बूस्टर डोज की 9वीं सीरीज़ और वो भी आपकी सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था के फर्स्ट चैप्टर की आज बात करने जा रहे हैं। भी इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य का नाम लिखते हुए उसका घनत्व बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनघनत्व जो भारत का है वो बिहार राज्य का है, बिहार का है, और कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये घनत्व की इकाई है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, कितना, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य का नाम लिखते हुए उसका मान बताना है। तो सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का है, जो कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक बिहार का है 1102, और सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का है, राज्यों में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR जो है उसका जनघनत्व बताना है। तो ध्यान रखिएगा, वो कितना है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए, दो चीज़ आती है, एक बात आती है राज्य की और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जनघनत्व दिल्ली का है, 11,297। राज्यों की बात करते हैं तो सबसे अधिक बिहार का और सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी रहने का अनुमान है। तो 135 करोड़ जनसंख्या होने की संभावना है, अभी 121 करोड़ के आसपास है, आप सबको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए, सबसे अधिक पॉपुलेशन, कन्फ्यूज मत होइएगा। जनघनत्व पूछे तो बिहार और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार राज्यों के नाम बताइए। एक तो अपना उत्तर प्रदेश हो ही गया, उसके बाद चार देख लें, दो नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीन नंबर पर बिहार और चार नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ये क्रम भी है। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन यूपी की, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा प्रश्न है। आठवां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। तो ध्यान रखिए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनघनत्व, जो आपके सिलेबस के अनुसार जो आंकड़े दिए हैं उनके अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक वर्गीकरण का आधार क्या है। बहुत प्यारा प्रश्न है, भी बेस क्या रखा गया है, भी कौन मुख्य श्रमिक होता है और कौन है वो सीमांत श्रमिक होता है। तो ध्यान रखिए, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार एक वर्ष में काम के दिनों की संख्या है, भी एक साल में व्यक्ति कितने दिन काम करता है, ये आधार रखा गया है। तो इसके अनुसार एक प्रश्न और बन जाता है, फिर मुख्य श्रमिक किसे कहेंगे। तो मुख्य श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, यानी लगभग 6 महीने काम करता है, वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। और अगर बात आ जाए भी सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है, सीमांत श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो एक साल में 183 दिन से कम दिन काम करता है, 6 महीने से ज़्यादा काम करता है तो मुख्य श्रमिक, और 6 महीने से कम यानी 183 दिनों के हिसाब से बात करें तो वो होता है सीमांत श्रमिक, 183 दिन से कम काम करता है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत में महिला शिक्षा 100% हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। कितना प्यारा प्रश्न है, अगर महिला साक्षरता बढ़ जाए तो पॉपुलेशन की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न की भाषा इस्तेमाल करते हुए, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी, बस ये लाइन लिखनी है अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, बोर्ड में आया हुआ है पहले भी कई बार ये, क्योंकि शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक रहती है, तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि शिक्षित महिलाएं जो फैमिली प्लानिंग है उसके प्रति अधिक अवेयर होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दुगना होने के समय से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा, वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है,
वर्तमान वार्षिक दर, जो भी ग्रोथ रेट किसी देश की चल रही है उसमें किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है, वो जनसंख्या में दुगना होने के समय से अभिप्राय होता है। अगला प्रश्न है कि कृषि जनसंख्या में किन को शामिल किया जाता है। अच्छा प्रश्न निकल सकता है ये। कृषि जनसंख्या में देखिए, कृषक यानी किसान, कृषि मजदूर जो खेत में काम करते हैं और उनके परिवार के सदस्यों को, तो तीन चीज शामिल है इसमें, किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार के सदस्य हैं वो शामिल किए जाते हैं। भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखिए तो चार परिवार अच्छे से याद रखिएगा, ऑस्ट्रिक यानी जिन्हें निषाद भी कहते हैं, द्रविड़, चीनी तिब्बती या किरात, और भारतीय यूरोपीय यानी आर्य। तो चार हैं, नाम जरूर याद रखिएगा। एक और प्यारा सा प्रश्न, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है, हम इस चैप्टर में एक नंबर और डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो तैयार कर रहे हैं। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिक का मतलब है मुख्य श्रमिक जो 183 दिन से अधिक काम करता है और सीमांत श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करता है, के प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। तो कुल श्रमिकों के प्रतिशत को, कुल पॉपुलेशन में जो कुल श्रमिक हैं उनके प्रतिशत को ही श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिए वो हिमाचल प्रदेश है। उत्तरी भारत का एक हिमालय स्टेट हिमाचल प्रदेश, और मान कितना है उसका 51.9% है। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां क्वेश्चन कि देश के किन केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। राज्यों की बात करें तो हिमाचल आ ही गया, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो नाम आता है दो, दादर व नगर हवेली और दमन और दीव में। अब तो आपको पता है मिलाकर एक कर दिया है, लेकिन अब हमें आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो देश के किन केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव में। सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा चार वर्गों में बांटा गया है, किसान, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, चार भागों में बांटा गया है। अगला प्यारा सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में किस आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है, तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में है। ये भी प्रश्न बन जाता है, राष्ट्रीय युवा नीति लेटेस्ट में कब आई, तो 2014 में। युवा की परिभाषा का मतलब है 15 से 29 ईयर्स के जो आयु समूह के जो लोग हैं उनको युवा कहा जाता है। भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति कब अपनाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए जो नीति अपनाई वो 2015 में अपनाई है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जेंडर के प्रति, जेंडर मतलब यहाँ पर बेटा और बेटी, मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो एक सामाजिक अभियान है, इसके द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद एक सूत्र आधारित बढ़िया प्रश्न है, सामान्य अगर जन घनत्व का प्रश्न आता है तो आपको पता है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर कायिक घनत्व की बात है, तो ध्यान रखिएगा कुल जनसंख्या बटा में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल आता है, शुद्ध कृषि क्षेत्रफल, नेट जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो बटा में आएगा कायिक घनत्व के अंदर। दूसरा कृषि घनत्व है, तो दोनों में आप अंतर जरूर दिमाग में रखिएगा, कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या ऊपर है, बटा में नेट कृषि क्षेत्रफल है, और कृषि जनघनत्व में क्या है, कृषि घनत्व का मतलब कुल कृषि जनसंख्या जो खेती पर जो बेस्ड जो पॉपुलेशन है वो बटा में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। तो कायिक घनत्व में सिर्फ कुल जनसंख्या शब्द है और कृषि घनत्व में ऊपर कुल कृषि जनसंख्या है, तो कृषि शब्द ये उसमें लगाना है, बाकी सेम है फॉर्मूला। 25वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक यूपी है और सबसे कम की बात आती है राज्यों की, तो सिक्किम जो आपको पता है जैविक खेती के लिए भी भारत का ये पहला राज्य है।
अगला प्रश्न है कि भारत की तटीय मैदानों में सदैव ही जनसंख्या का सांद्रण रहा है, यानी तटीय मैदानों में अधिक जनसंख्या मिलती है, सांद्रण का मतलब ये है, उसका कारण बताइए। कारण है समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी से कृषि विकास के कारण। समतल भूमि है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए वहाँ एग्रीकल्चर का विकास ज़्यादा हुआ है। क्या भारत के कुछ राज्यों में से अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है? भारत के कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता दर की जो ऊंची दर है वो क्यों है? क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रमिकों की जो कुल जनसंख्या में पॉपुलेशन जो होती है वही तो श्रम सहभागिता कहलाती है। तो आर्थिक क्रियाओं को वर्क को करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है, इसलिए सहभागिता दर ऊंची है। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या है वो ज़्यादा मिलती है। तो जो अधिक पॉपुलेशन वाले हैं आप देखेंगे लगभग वही स्टेट्स यहाँ आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है भारत ने युवा नीति कब प्रारंभ की? ऊपर आ चुका है फरवरी 2014 में भारत ने युवा नीति है वो अपनाई थी। एक और प्यारा सा प्रश्न कि भारत के अत्यंत उष्ण और शुष्क और अत्यंत शीत और आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडे इलाकों में पॉपुलेशन कम है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के जो वितरण हैं उसके बारे में बताना है अपने को। जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु की भूमिका बतानी है तो इन प्रदेशों में जलवायु है वो मानवीय निवास के लिए उपयुक्त नहीं होती, इस कारण भारत के उक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व है वो निम्न मिलता है। तो मानव निवास के लिए ये ऐसा इन्वायरमेंट उचित नहीं है। अगला प्रश्न है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। कृषि में ज़्यादा लोग काम करते हैं उसका स्पष्ट करना है। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या हमें पता है कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। कृषि सेक्टर है वो खेती है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है जो लोगों को रोजगार देता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% भाग है वो किसानों और मजदूरों का है। तो खेती से जुड़ी हुई ये बातें आपको इसमें बतानी होगी। और एक और प्यारा प्रश्न है सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, भारत में 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर के कारण बताइए। क्या कारण है भी 1911 से 21 की अवधि में नेगेटिव रही ग्रोथ रेट? तो देखिएगा भारत में 1911 से 1921 की अवधि में पड़ने वाले भीषण अकाल, महामारी, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन की कमी आदि के कारण जनसंख्या में जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर होने से जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि रही। तो सारी या एक दो बात आप भीषण अकाल आ गया, महामारी आ गया, इनकी वजह से है जन्म दर तो बड़ी उच्च रही लेकिन मृत्यु दर भी इन चीज़ों की कमी की वजह से ज़्यादा रही, इसलिए जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो गई थी। बहुत प्यारा प्रश्न। और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ें, 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानने का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या ग्रोथ ज़्यादा हुई इन तीन दशकों में, तो इस अवधि में देश में मृत्यु दर में तीव्र कमी है। मृत्यु दर में कमी है इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ी, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी और जनसंख्या की उच्च जन्म दर प्रमुख कारण रही। तो दो चीज़ है, मृत्यु दर में तीव्र कमी हुई, बहुत ज़्यादा कमी हुई, और जनसंख्या की जो जन्म दर रेट है वो ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से ऐसा हो पाया। तो ये थे अपने फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने अब रिवाइज कर लिया होगा। जरूरी है बार बार अभ्यास ही तो अपनी नैया अच्छे से पार लगाएगा और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे अब की बार 90 पार। ये सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने टेलीग्राम जो चैनल है सिद्धिविनायक संगरिया के नाम पर है वहाँ पर है वो अवेलेबल रहेगी। आपका और भी क्यूरीज है तो आप कमेंट कीजिएगा और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।